सॉरी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो मैं काफ़ी देर से ना कपड़ों की तह लगा रही थी, फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि क्यों नहीं कपड़ों की तह लगाते लगाते ही आज ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा ब्लॉग भी शुरू हो जाएगा। ये जो कपड़े हैं ये 2 दिन के कपड़े हैं एक्चुअली में 2 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि डुबू के मेरे 2 दिन में 2 बार धोए थे वो कपड़े, थे बस तह नहीं करे हुए थे मैंने। तो मैंने सोचा पहले मैं अभी टाइम लगा के ना पहले कपड़े ही तय कर लेती हूँ, फिर नहीं तो नहीं मिलता बहुत सी चीज़ें। इसमें ऑयल लग गया था, ये ठीक ही नहीं हुआ। मेरी क्या छोटी छोटी चीज़ें ना सर्दियों की, जबकि मैंने बहुत कुछ पैक कर दिया है बट फिर भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर्दियों की जो हट फिर के मिली जाती हैं इनमें। और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं हमेशा धोने के लिए, मैं बहुत कपड़े धोती हूँ इसीलिए मुझे कपड़े भी तय करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। उठाओ उठाओ सब कुछ उठाओ बेटा, जो भी आपने गिराया है उठाओ। ये फेंकने वाला टॉय है डाल दो, जो भी चीजें आपने फेंकी है ना बेटा वो सब आपको उठा। यहाँ मैं आगने को टॉयज उठाने के लिए बोल रही थी, और वैसे भी अभी हमारे घर में गेस्ट ने आना था। गेस्ट क्या मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, मुन्ना आएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो बस मैं डुगू को बोल कि थोड़ी थोड़ी करो बेटा सफाई, आप भी करो, आपने इतना गंद फैलाया आपको भी सफाई करनी पड़ेगी। अब ना वो आदमी 4 साल का हो चुका है, मुझे लगता है कि ना इट्स हाई टाइम कि अब मैं आगने को ये चीज़ें बोल, मतलब पहले बोलती थी, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं बोलती, पहले भी मैं आगने को ये चीज़ें बोलती थी कि आगने बेटा ये चीज़ फेंकी है तो इसको उठा के ना डस्टबिन में डालते हैं। बट बीच में ना कुछ टाइम इसको ऐसा हुआ कि इसने ना बहुत सी चीज़ें, मतलब बच्चा तो है देखो सच्ची बात है, छोटे बच्चे हैं, इनको इतना नहीं हम बोल सकते कि बच्चे ये उठाओ इसको फेंको ये तुमने क्यों गंदा कर दिया। ठीक है मुंह से तो चलो माओ के हमेशा निकलता ही रहता है, बट ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ अगर उसने थोड़ा सा गंदा कर दिया मैं डांट दूंगी उसको। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें फेंक रहा है, बहुत सारा गंदगी कर रहा है। अगर जूस पिया तो बॉक्स वहीं फेंक दे रहा है अपना, ये नहीं कि उसको आके डस्टबिन में रखे। तो अब ये इतना छोटा नहीं, जब इसको सब कुछ पता है तो इसको इतना पता होना चाहिए कि जैसे पहले ये डस्टबिन में डालता था ये फिर से डस्टबिन में डाले। टॉय अगर टूट गया है वो टॉय कभी काम नहीं आएगा, वो छिछी टॉय हो चुका है तो वो भी डालो। तो ऐसा नहीं मैं डुगू को सारा कुछ कमरा से साफ करवा रही हूँ या कुछ है, बट मैंने इसको थोड़ा सा बताया कि बच्चे नीचे फेंका है तो इसको उठाओ और इसको अब आपको डस्टबिन में डालना है। ठीक है तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके भी इसको आदत डालनी पड़ेगी कि अगर आप नीचे फेंक रहे हो या कुछ है तो उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। रूम को बच्चे तो मैसी करते ही करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है वो तो करेंगे भी, बट थोड़ा सा दिमाग में अब क्लीनलीनेस क्या चीज़ है उसकी तरफ भी इनको जाना पड़ेगा। आदमी ना अपने आप को बहुत अच्छा क्लीन रखता है, अपने आप को गंदा नहीं कर सकता वो, इसके ऊपर पानी की ड्रॉप पड़ जाती है ये कपड़े चेंज कर देता है। लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा कि अपने साथ साथ और चीज़ों की सफाई भी ज़रूरी है। पहले काम कर लो उसके बाद ही बात करना है। आलू इसलिए बन रहे हैं, ये एक वो चीज़ है ना जिसको वो शायद बना कभी नहीं करेगा, बाकी वो बहुत कि मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता बट ये वो खाता। बस वेट करें कब जैसे आएंगे, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है जब कोई आता है घर में, और मुझे तो सच में बहुत 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 अच्छा लगता है जब कोई आता है ऐसे। और मुन्ना पहले पता नहीं 2-3 फ्रेंड्स ने आया था, अब शायद 2 ही आएंगे,
देखते हैं। मुन्ना दुगु भी बहुत एक्साइटेड है मुन्ना को लेके, अपने चाचुओं को तो बहुत प्यार करता है ना ये चाचू बुआ, मैंने बताया था बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो बस अभी वेट कर रही हूँ उनका आने का। मुन्ना का आधा घंटा नहीं हुआ अभी तक, कब से वो आधे घंटे बाद ही आ रहा है। मैं सोच रही हूँ जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक मैं ट्रेडमिल पर थोड़ा सा रनिंग कर लूँ, मतलब रनिंग तो नहीं, मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी ट्रेडमिल के ऊपर जब तक वो आ रहे हैं। वैसे भी कुछ तो होगा है ना, तो है। मैं सिर्फ 6.5 का रखूंगी इसको आखिर। अच्छा हमारा टाइम पास होता है, इसके ऊपर मज़ा भी आता है और कुछ हो भी जाता है। और वैसे भी मैंने अपना मोटापा इस कदर बढ़ाया हुआ है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा स्लो, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा स्लो, और फिर बंद, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करूँगी। ट्रेडमिल की जो जगह है ना फिलहाल वो थोड़ी सी ऑकवर्ड है, पर फिर भी मंदिर के सामने मुझे ना बड़ा अजीब होता है कई बार कि कुछ होना चाहिए ना, वॉक कर रहे हो कुछ कर रहे हो ना या तो कुछ देख रहे हो, लेकिन जब मैं इस तरह से देखती रहूँगी ना तो मेरे सिर में दर्द हो जाती है, इसीलिए मंदिर के पास आके भगवान जी को देखती रहती हूँ मैं कि थोड़ा फिर थोड़ा ठीक लगेगा। ज़्यादा देर नहीं करनी मुझे, थोड़ी देर ही करूँगी। गद्दियाँ ऊपर से नीचे गिर भी चुकी हैं, ये रखेंगे यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ पहले। अभी मुन्ना आएगा ना तो मुझे, हमारी शादी हुई थी ना तो उस टाइम मुन्ना अपने सेवन्थ में था या एट्थ में था, सेवन्थ में था आई थिंक, वो बहुत छोटा था लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, उसको देख के नहीं लगता था कि मुन्ना छोटा है या कुछ। तब आते थे वो लोग छुट्टियों में आते थे हमारे पास और काफ़ी दिन रहते थे, लेकिन अब ये बड़े हो गए ना तो ये आ नहीं रहे हैं है ना, बहुत बड़े हो गए अब ये, अब आते नहीं हैं। जब ये आते तो बहुत अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, तो आया करो। तो हमारे गेस्ट जो आ चुके हैं नीचे, जिन्होंने उनकी गाड़ी पार्किंग पे लगा रहे हैं। सोना है ठीक है, टीवी बंद कर दो, आगे टीवी बंद कर दो, चलो टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, ठीक है फिर मम्मा मैगी नहीं बनाएगी आपको, तो फिर टीवी बंद करो जल्दी से, रुको टीवी बंद करो। जैसा आप आजकल मौसम हो रहा है ना, जो वैसे मौसम में ना यह पता नहीं क्या होता है, शायद कल का दिन छोड़ के मेरे ख्याल से पिछला पूरा वीक मैं दिन के टाइम में सोई हूँ, मतलब चाहे एक ही एक घंटा बहुत होता है यार, एक घंटा ही, बट मैं सोई हूँ। अगर मैं दिन में प्रॉपर सॉरी अगर दिन के अगर 2 बजे तक या 3 बजे तक अगर नहीं सोई हूँ तो चाहे 4 बजे ही, बट बस दुगु को सुलाने रखती हूँ तो खुद को भी नींद आ जाती है, बट उसके बाद थोड़ी देर सुस्ती रहती है फिर फ्रेश हो जाते हैं। और सच बताऊँ तो ना एक पावर बूस्टर वाली स्लीप है, पता नहीं मुझे वैसे भी रात को नहीं आती है नींद अच्छी कभी भी, मैं सोती भी बहुत लेट हूँ, तो शायद ये जो दिन की जो नींद होती है ना ये बहुत अच्छी होती है मेरे लिए, उसको कंप्लीट कर देती है। और अभी मुन्ना और उसका फ्रेंड आए हैं, वो भी बाहर हैं गए, उनको मैंने बता दिया है कि नाइट कर्फ्यू यहाँ पर 9 से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो जा रहा है, और अभी 8:30 बजे तक मैंने उनको घर आने के लिए बोला है कि आ जाना 8:30 तक भैया, मतलब बाहर जब पता है तो भाई
चीज़ें तो माननी पड़ती हैं। वैसे भी यहाँ पर यही है कि 9 बजे के बाद हार्डली कोई बाहर होना चाहिए, और अगर बाहर कोई है भी तो उसका प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए कि अगर वो बाहर घूम रहा है, क्योंकि यहाँ है 8:30 पे तो यहाँ शॉप्स भी क्लोज़ हो जा रही हैं। मतलब हार्डली कोई ऐसी शॉप होगी जो नहीं क्लोज़ हो रही, अदरवाइज 8:30 पे शॉप्स क्लोज़ हो जा रही हैं। और बस ऐसे ही मैं सोच रही हूँ ना कि आज का व्लॉग यहीं पर फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि अभी वो लोग भी आएंगे थोड़ी देर में, तो नहीं आएंगे तो शाम को ही कुछ सोच रही उनके लिए बनाऊं। चलो यार, ऐसा ना हो कि मेरी सुस्ती आज तक पहुंच जाए, इससे अच्छा ये है कि मैं ये जो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात करूं। तो ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में थोड़े ढंग से एक्टिव होके आपसे मिलती हूँ। भाई नींद अजीब सा मूड हो रखा है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।